हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2019 के बारे में, यानी वो लोग जो कि अभी 11th में हैं और नीट में बैठने वाले हैं 2019 में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी 11th में हैं, तो अभी आपके लिए जो प्रिपरेशन करना है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आपके ऊपर जो है 12th का जो सिलेबस का वो प्रेशर नहीं रहता और जो बोर्ड्स है उसका भी कोई प्रेशर नहीं रहता। और अगर आप 12th में होते हैं तो आपको 11th और 12th प्लस बोर्ड को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप सिर्फ 11th में हैं, तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपना जो बेसिक है, जो 10th लेवल तक की जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप पहले ख़त्म कर दें। जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है, जो कि आपकी कैलकुलेशन लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, और जो अगर आपको लॉन्ग सिटिंग की प्रॉब्लम आती है कि आप लंबित बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उसकी भी आदत बनाना स्टार्ट कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं करते हैं, क्योंकि आगे आपको काम आएगा। और सिलेबस के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो जो सिलेबस है आपका 11th से करते जाइए, 12th के बारे में अभी कुछ भी मत सोचिए। और जो आपका जो NCERT है उसको तो अच्छे से पढ़िए, लेकिन जो अदर मटेरियल्स हैं उसको भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया या फिर स्कूल में पढ़ते हैं या घर पर बैठ के पढ़ते हैं, तो जो भी है, आपका अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है तो आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए। उसके लिए एलन बेस्ट है और आप आकाश का भी ले सकते हैं, तो उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए, सिर्फ आप अभी 11th का ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 12th के अंदर जाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है वो करते जाइए और अपने आप को इस चीज़ में पूरा परफेक्ट कर लीजिए कि आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। और 12th के अंदर जब आप हो तो ये सब आपको बाद में ना करना पड़े, आप अभी ही सब कुछ क्लियर कर लीजिए अपनी प्रॉब्लम। जहाँ तक टाइम टेबल की बात आती है, तो स्कूल टाइमिंग आपकी होती है वो सब 2 से 3 बजे तक हो सकती है, उससे लिस्ट नहीं हो सकती। उसके बाद आप कोचिंग जाते होंगे, तो उसके बाद में आपको टाइम मिलता है 4 से 5 घंटे का सेल्फ स्टडी का। और मैं कहता हूँ कि आपको मिनिमम 5 घंटे की सेल्फ स्टडी 11th से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे आपका जो साल है वो ख़त्म होता जाता है, आपको इसको बढ़ाना होता है। और 5 से 6, 6 से 7, इससे ज़्यादा जाने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन 5 घंटे की आप सेल्फ स्टडी कीजिए। उस 5 घंटे की सेल्फ स्टडी के अंदर 2 घंटे जो आपका जो स्कूल का चल रहा है, ट्यूशन का चल रहा है, उसको दीजिए, लेकिन जो 3 घंटे है आप जो एक्स्ट्रा दीजिए और जो अपनी जो प्रिपरेशन है नीट की उसके अंदर आप वो स्टार्ट कर दीजिए। तो बात हो गई सिलेबस की और टाइम टेबल की, तो आखिर में बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छे से अच्छे गाइड को लेके आइए और जो 11th का है वही कीजिए। और उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 11th के स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो जो आप टेस्ट सीरीज है 11th के साथ भी काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वो जो प्रिपरेशन के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके जो नीट लेवल के या एम्स लेवल के पैटर्न के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंस्टीट्यूट लेवल पर, वो पेपर्स लेके आइए, अपने फ्रेंड से मांगिए या फिर आप जब इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप अटैम्प्ट कीजिए। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से आप 11th के क्वेश्चंस को छाटिए और उनको सॉल्व कीजिए और समझिए कि क्या क्या पैटर्न रहता है और कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रिपरेशन में आती हैं। तो अभी उन प्रॉब्लम्स का एनालिसिस कीजिए और आप कितने सक्षम हैं इस प्रिपरेशन के लिए उसका भी एनालिसिस कीजिए, अपने आप में क्या एरर्स हैं, आपके आगे क्या गलतियाँ हैं उसको सॉल्व कर दीजिए, ताकि जो 12th में जाकर आपकी कोई प्रॉब्लम आपको ना आए और 12th में आप विथ 12th नीट में सेलेक्ट भी हो जाएं और 12th में बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप क्लियर भी कर जाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना भी ना भूलें।